हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन मॉम मैगज़ीन। तो आज मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के चपाती बॉक्स की, या फिर चपाती सर्वर कह लें इसको। एक्चुअली मेरा जो चपाती बॉक्स था वो प्लास्टिक का था, तो मुझे उसको चेंज करना था, कुछ स्टील में चाहिए था। तो मैंने बहुत सारा सर्च वर्च कर करके फिर इसको फाइंड आउट किया। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है। तो ये बोरोसिल ब्रांड का है और ये स्टील का इंसुलेटेड सर्वर है। इसको मैंने अमेज़न से परचेस किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इसका जो है क्वालिटी, तो ऊपर से सब जो लिखा हुआ है, मेड इन इंडिया है ये, और इंसुलेटेड बॉडी है इसकी, डुअल वॉल। एमआरपी इसका 695 है। ये डील में आता रहता है, प्राइस इसका ऊपर नीचे होता रहता है थोड़ा, तो उसके हिसाब से ही आपको मिलेगा। और कैपेसिटी जो है, यू कैन सी द प्राइस, 695 एमआरपी है इसका। और कैपेसिटी इसकी जो है वो 1.1 लीटर है। और लिड जो है वो टफ एंड ग्लास की है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इसको खोल के देखते हैं। इसमें दो साइजेस अवेलेबल हैं, एक 1.1 लीटर और एक समथिंग 2.2 लीटर का। प्राइस डिफरेंस जो है करीब 200 रुपीस प्राइस डिफरेंस है। तो मैंने छोटा वाला मंगवाया है, मुझे कम चपातीज रखनी होती हैं। तो ये इसकी लिड है और लिड काफ़ी अच्छी दिख रही है और बहुत ही मजबूत भी लग रही है। टफ एंड ग्लास है इसका। इसका नॉब बहुत अच्छा है, ऐसे इसको होल्ड करने के लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अब बॉक्स को देखते हैं कि वो कैसा है। का बॉक्स काफी अच्छी स्टील है इसकी, शाइनिंग भी बहुत अच्छी है। वेट भी इसका बहुत अच्छा खासा, 600 ग्राम्स के करीब इसका वेट है। और इसके साथ में एक फ्री स्टील कोस्टर दिया हुआ है। तो मैंने स्पेशली, एक्चुअली ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि इसको, बहुत सारे जो चपाती बॉक्सेस स्टील के थे उसमें प्लास्टिक का वो कोस्टर दिया हुआ था, तो फिर वही कोई यूज़ नहीं रह जाता है प्लास्टिक का। इसमें ये स्टील का दिया हुआ है, ये चारों तरफ से कुछ ऐसा दिखता है। यू कैन सी द फिनिशिंग, सारे एजेस इसके बहुत स्मूथ बने हुए हैं। बस एक मुझे इसमें जो है ड्रॉबैक लगा कि इसमें कोई भी पकड़ने के लिए हैंडल नहीं दिया हुआ है। तो ये यू कैन सी, और मैं जो है इसको साइज़ आपको दिखाती हूँ एग्जैक्टली साइज़ कितना है। चपातीज़ देखिए इसमें जो है बिना किसी क्लॉथ के या उसके रखी हुई हैं। तो जो ये कोस्टर हम बीच में रखते हैं उसकी वजह से चपाती जो है का जो भी मॉइस्चर होता है वो नीचे सेटल हो जाता है, चपाती आपकी जो है वो भीगती नहीं है, वेट नहीं होती है। तो ये हैंड स्पैम से मैंने दिखाया इसको, इसका इतना बड़ा है और देखिए ये करीब 2.5 इंच जितनी इसकी लेंथ है, हाइट है, नॉट लेंथ सॉरी हाइट है। तो ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका साइज़ कितना है। नॉब मुझे स्पेशली बहुत पसंद आया, सिर्फ एक ही इसमें ड्रॉबैक है कि इसमें हैंडल नहीं दिया हुआ है। तो मैं इसको फिर आपको दिखाती हूँ चपातीज़ रखने के बाद कि वो कितने घंटे तक सॉफ्ट रहती हैं। तो मैंने यहाँ पर चपाती कुक करके रखी हुई है और 4 आवर्स हो गए हैं, 4 आवर्स के बाद मैं इनको चेक कर रही हूँ। तो कुछ मॉइस्चर जो है वो ऊपर लिड में इकट्ठा हो गया है और ये चपातीज़ बिल्कुल सॉफ्ट है और गर्म भी है। अगर इसको बार बार ओपन करेंगे तो फिर चपाती जल्दी ठंडी हो जाएंगी, तो इट्स डिपेंड कि आप कितनी बार इसको ओपन करते हैं। और ये बिल्कुल लास्ट चपाती है, यू कैन सी ये बिल्कुल भी मॉइस्चर इसमें नहीं गया है चपाती में, बिल्कुल ड्राई है। जो खुश्की लगाते हैं चपाती में वो मेरे हाथ में आ रही है, मतलब बिल्कुल भी वो वेट नहीं हुई है। और आप देख सकते हैं कि ये साइड में जो मॉइस्चर है वो वाटर पूरा कलेक्ट हो गया है, कोस्टर की वजह से कुछ भी जो पानी है, ड्रॉपलेट्स है, वो चपाती के ऊपर नहीं आई है। ये मेरा पर्सनल रिव्यू था इस प्रोडक्ट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग मॉम मैगजीन, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।